बच्चों कक्षा ग्यारह की भूगोल विषय की पुस्तक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इस पुस्तक के अध्याय नंबर दस जिसका नाम है बच्चों वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालिया इस चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे इसके भाग एक में हमने वायुमंडलीय दाब की को देखा और उससे संबंधित दूसरे प्रकार की चीज़ों को भी यहाँ पर देखा आज की क्लास में बच्चों हम देखेंगे पवनों के दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से हैं तो बच्चों हमें यह देखना है कि आखिर में वायु दाब से जो पवने चलती हैं उन पवनों को और उनकी दिशा को आखिर कौन कौन से बल प्रभावित करते हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे तो पवनों की दिशा वे वेग को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से होंगे आप ये जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है इस क्षेत्रीस गतिज वायु को पवन कहते हैं छैतीस जो गतिज वायु होती है बच्चों इसे पवन कहते हैं ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और यह जो पवन है ये पवन कौन कौन से बलों के द्वारा प्रभावित होती है ऐसे कौन कौन से बल हैं जिससे लगने के पश्चात यह जो पवन प्रभावित होगी और कम या ज़्यादा होगी पवनें उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रवाहित होती है भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है हम ये जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये उच्च दाब दिख रहा है हमें यहाँ पर निम्न दाब दिख रहा है तो पवनों की दिशा कौन सी होगी दाब प्रवणता बल के कारण बच्चों दाब प्रवणता के कारण पवनों की दिशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगी है हमने पिछली क्लास में भी देखा था उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें गति करती है लेकिन बच्चों यहां पर यह भी देखा जाता है कि जब पवने गति कर रही होती है तो धरातल की विसंताएं भी आती है धरातल भी होता है और उसका घर्षण भी वहां पर प्रभावशाली होता है तो घर्षण भी पैदा होता है जो कि पवनों की गति को प्रभावित करता है। अब घर्षण होगा तो पवनों की गति क्या होगी कम होगी घर्षण के कारण पवनों की गति मध्यम पड़ जाती है कम पड़ जाती है तो घर्षण भी एक प्रमुख यहां पर कारक होगा पवनों की गति को प्रभावित करने वाला ठीक है बच्चों तो यहां पर हमने देखा घर्षण इसके पश्चात देखेंगे कि इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है अब कोरियोलिस बल है नया प्रकार का बल हमारे सामने दिख रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने पृथ्वी पृथ्वी कैसी है पृथ्वी जियोइड आकृति गोल आकृति की है गोल नहीं कहेंगे हम भूगोल के विद्यार्थी हैं बच्चों पृथ्वी गोल नहीं है किस प्रकार की है जियोइड आकृति है लेकिन लगभग उसे हम गोल कह सकते हैं तो इस तरीके की आकृति में घूर्णन करती हुई बच्चों इस घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर एक कोरियोलिस बल लगता है और कोरियोलिस जो बल लगता है वो सीधी जाती हुई जो पवने हैं उनको अपनी दिशा से विष्पित कर देता है ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि कोरियोलिस बल अपनी सीधी जाती हुई यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि यदि ये उत्तरी गोलार्ध है नॉर्थ हेमिस्फीयर है ये दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फेयर है तो यहाँ पर यदि पवने चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध में सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जो पवने हैं वो मुड़ जाती है विक्षेपित हो जाती है ये किसके कारण होती है कोरियोलिस बल के कारण और कोरियोलिस बल क्यों लगता है बच्चों पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण कोरियोलिस बल लगता है अतः पृथ्वी के धरातल पर छैतीस पवने तीन संयुक्त प्रभावों का परिणाम है तीन संयुक्त प्रभाव होंगे एक तो दाब प्रवणता प्रभाव एक घर्षण बल तथा कोरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रभावित करता है तो तीन यहां पर हमने मुख्य बल देखे जिसमें दाब प्रवणता बल बच्चों घर्षण बल और कोरियोलिस बल इसके अलावा एक गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा जो कि कहाँ पर लगता है पृथ्वी पर अपनी ओर लंबवत रूप से लगता है तो वो भी यहाँ पर एक मुख्य कारक होगा पवनों की गति देखने के लिए तो यहां पर हमने देखा बच्चों कि पवनों के वेग को प्रभावित करने वाले तीन बल दाब प्रवणता बल दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा पवनों की गति उतनी ही ज्यादा तेज होगी घर्षण बल घर्षण बल जितना अधिक होगा पवनों की गति उतनी ही कम होगी और कोरियोलिस बल बच्चों यहां पर कोरियोलिस बल का भी प्रभाव होगा कि कोरियोलिस बल भी किस तरीके से पवनों की गति को टर्न कर देता अर्थात पवनों को अपनी दिशा से विष्छेपित कर देता है वो भी यहां पर देखने वाली बात है इस प्रकार से और चौथा जो है गुरुत्वाकर्षण बल वो नीचे लंबवत रूप से लगता है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के इस प्रकार से तीन मुख्य बल गति को प्रभावित करने वाले और इसके अतिरिक्त एक गुरुत्वाकर्षण बल चार प्रमुख प्रकार के बल यहाँ पर हम देखने को मिलेंगे इसके पश्चात देखते हैं बच्चों पहला दाब प्रवणता बल आखिर दाब प्रवणता बल क्या होता है वायुमंडल ये दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर हम चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो समदाब रेखाएं हैं ये समदाब जो रेखाएं हैं बच्चों ये 1000 मिलीबार की 1004, 1008, 1012 और 1016 ये इस प्रकार की दाब रेखाएं हैं अब दाब रेखाएं अर्थात यहाँ पर उच्च दाब है यहाँ पर उच्च दाब है यहाँ पर निम्न दाब है तो पवनों की गति किस और होगी बच्चों हम जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन गति करती है और जब ये भिन्नता आती है दाबों में जो भिन्नता आती है उसके परिणाम स्वरूप बच्चों दाब प्रवणता बल उत्पन्न होता है दाबों में अंतर आने के कारण दाब प्रवणता बल होता है और उसी बल के कारण बच्चों उसी बल के कारण यहाँ पर पवने गति करती है ठीक है तो यहां पर हमने देखे कि विभिन्न समदाब रेखाएं हैं, हैं और समदाब रेखाओं में उच्च दाब यहां पर हाई प्रेशर के रूप में और यहां हमने एल लिख दिया लो प्रेशर के रूप में तो गति किस ओर होगी पवनों की बिल्कुल सही उच्च दाब से निम्न दाब की ओर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति होगी पवनों की यह देखने को हमें मिल रहा है ठीक है बच्चों इसके पश्चात देखेंगे जहां समदाब रेखाएं पास पास हो वहां दाब प्रवणता अधिक होती है और समदाब रेखाओं के दूर दूर होने पर दाब प्रवणता कम होती है यदि अब देखो यहां पर हम देखने को मिल रहा है कि यहां पर समदाब रेखाएं बच्चों यहां पर समदाब रेखाएं बिल्कुल नजदीक नजदीक है बिल्कुल पास पास में है ठीक है तो यहां पर दाब प्रवणता कैसी मिलेगी अधिक मिलेगी यहां पर दाब प्रवणता अधिक मिलेगी इसके विपरीत यदि हम यहां पर देखें तो यहां पर समदाब रेखा क्या दूरी दूरी पर है समीप नहीं है दूर दूर होने की वजह से यहां पर दाब प्रवणता कम देखने को मिलेगा तो समदाब रेखाओं का जो अध्ययन है हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि समदाब रेखाओं का जो अध्ययन है वो हमें यह बताता है कि किस प्रकार की दाब प्रवणता वहाँ उस क्षेत्र में होगी और बच्चों यह भी समय के सापेक्ष में बदलता रहता है क्योंकि मौसम परिवर्तन होता है और मौसम परिवर्तन के कारण भी ये समदाब रेखाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है यदि हम कहीं पर मानचित्र में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जनवरी की समदाब रेखाएं अलग होती है और जून जुलाई की समदाब रेखाएं अलग तरीके की होती है तो हम यहां पर एक देख सकते हैं कि समीप वाली ये समीप वाली जो रेखाएं हैं वहां दाब प्रवणता अधिक होता है और जहां पर दूर दूर समदाब रेखाएं होती है वहां पर दाब प्रवणता कम होती है दूसरा है बच्चों घर्षण बल जैसे कि हम जानते हैं घर्षण जो बल है वो कहां पर लगता है धरातल पर लगता है और धरातल पर घर्षण बल जब लगता है इससे वेग में कमी आती है पवनों के वेग में कमी आती है बच्चों ठीक है यह पवनों की गति को प्रभावित करता है धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्राय धरातल से एक से तीन किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है क्योंकि वहां पर स्थलाकृतिया या कठोर धरातल वो नहीं प्राप्त होता ठीक है इसलिए वहां पर समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है इसके अलावा बच्चों यदि सामान्य जो धरातल है वहां पर एक से तीन किलोमीटर की ऊंचाई तक घर्षण बल कार्य करता है और और ऊंचाई पर यदि वायुमंडल में हम चले जाएं वहां पर घर्षण लगातार न्यूनतम होता जाता है और ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर घर्षण शून्य तक भी हो सकता है ठीक है बच्चों तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर विभिन्न प्रकार का हमने घर्षण बल देखा इसके ऊपर जाने पर इसके ऊपर जाने पर घर्षण न्यूनतम हो जाता है ठीक है अब हम देखते हैं बच्चों कोरियोलिस बल अब इस कोरियोलिस बल में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर बच्चों किस प्रकार से घूर्णन करती है उससे पवनों की जो दिशा है वो भी प्रभावित होती है सन 1844 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए थे बच्चों 1844 में जिनका नाम था कोरियोलिस उन महोदय कोरियोलिस महोदय के नाम पर ही इस बल का नाम कोरियोलिस बल कहा गया क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस बल के बारे में बताया था और उसी के नाम पर इस बल को क्या कहा गया कोरियोलिस बल कहा गया तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे अट्ठारह में इन्होंने इसके बारे में बताया ये हमारा छोटा प्रश्न बन सकता है कि कब किसने और कहाँ के थे ठीक है हमें ये बात ध्यान कर लेना है इस प्रभाव से पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने की तरफ ठीक है राइट right हैंड की तरफ दाहिनी और, और दक्षिणी गोलार्ध में बाई तरफ विच्छेपित हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि बाई ओर विच्छेपित हो जाती है जैसे कि मैंने बताया था ठीक है तो हम यदि इसको उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध माने तो यह अपने सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ और यह अपने उल्टे हाथ की तरफ यानी कि यदि हम यहाँ से देखें बच्चों तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा और यहाँ पर यहाँ से देखें तो ये इसका राइट हैंड होगा तो उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी मूल दिशा से राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपनी मूल दिशा से लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाती है यही बल होता है ठीक है इसके पश्चात बच्चों हम देखते हैं कि जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विच्छेपन भी अधिक होता है जब पवनों का वेग अधिक होगा पवनों का बच्चों वेग अधिक होगा तो विच्छेपन भी अधिक होगा क्यों होगा इसका ध्यान देंगे कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है तो बच्चों जो गोलार्ध में जो अक्षांश होते हैं उनके आधार पर यह है, पर देख सकते हैं जो विश्वत रेखा पर है बच्चों यदि हम बात करें तो विश्वत रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है नगण्य पाया जाता है और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं कोरियोलिस बल की मात्रा भी बढ़ती हुई जाती है ठीक है तो अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात होता है अर्थात जो अक्षांश जितने ज्यादा ऊपर की ओर जाएंगे जितने ज्यादा अक्षांश बढ़ते हो जाएंगे उतना ही ज्यादा कोरियोलिस बल लगता जाता है यही यहाँ पर बताया गया है यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विश्वत व्रत पर अनुपस्थित होता है क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पर ध्रुवों पर और विश्वत व्रत पर लगभग नगण्य या जीरो पाया जाता है कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है बच्चों ये देखने वाली बात है कि ये जो कोरियोलिस बल है यहाँ पर देखने को दिख रहा है यहां पर यदि हम टू डी टू डायमेंशनल में देखें तो ये विपरीत दिशा में नजर आ रहा है दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है तो यहाँ पर बच्चों दो चीजें देखने को मिली जो दाब प्रवणता बल है वो समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है यहाँ पर यह समदाब रेखाएं जा रही हैं हमें ये दिख रही है कि यहाँ पर समदाब रेखाएं जा रही है ठीक है यहाँ पर ये समदाब रेखाएं जा रही है अब समदाब रेखा यहाँ पर जा रही है तो जो दाब प्रवणता बल लेगा बल लगेगा बच्चों वो इन समदाब रेखाओं के समकोण पर लगेगा अर्थात यह इस दिशा में लग रहा है ये किस दिशा में लग रहा है यह इस दिशा में लग रहा है क्या लग रहा है दाब प्रवणता बल जो दाब प्रवणता बल है वो रेखाओं के समकोण पर लगेगा समदाब रेखा यदि इस तरफ जा रही है तो दाब प्रवणता बल इस तरफ लग रहा है लेकिन बच्चों यहां पर एक नई बात हो रहे हैं कि कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर लगता है तो कोरियोलिस बल जो है वो इस दाब प्रवणता के समकोण पर अर्थात यहां इस साइड में इस साइड में लगेगा यहां चित्र में हमें इस तरफ दिखाई दे रहा है जो कि विपरीत हो सकता है लेकिन वास्तविक में रूप में यदि हम इसको देखें तो 3D के रूप में यदि हम जाने इसको तो 3D के रूप में इस तरीके से होगा ये बच्चों इस तरीके से है कि एक इधर है एक इधर है और एक इधर है ठीक है बच्चों तीन साइड हो गई एक इधर साइड एक इधर साइड और एक इधर साइड ठीक है जैसे कि हम कहते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसी प्रकार से यहां पर देखें तो यहाँ पर यह लंबाई चौड़ाई और यहां पर ये यह ऊंचाई के रूप में यदि हम बात करें थ्री डी के रूप में तो ये है जो कोरियोलिस जो बल है वो दाब प्रवणता के समकोण पर होता है अर्थात बच्चों यहां पर यह भी देखने का मिलेगा हमें कि जो कोरियोलिस बल है वो जितना ज्यादा दाब प्रवणता होगी कोरियोलिस बल भी उतना ही ज्यादा कार्य करेगा यही कारण है हमने बताया था बच्चों अभी कि पवनों का वेग जब अधिक होगा यदि पवनों का वेग अधिक होगा पवनों का वेग अधिक होगा तब विच्छेपन भी अधिक होगा इसका मतलब क्या निकला पवनों का वेग अधिक कब होगा जब दाब प्रवणता बल अधिक होगा दाब प्रवणता बल अधिक होगा तो कोरियोलिस बल भी अधिक कार्य करेगा कोरियोलिस बल जब अधिक कार्य करेगा बच्चों तो विच्छेपन पवनों का विच्छेपण भी अधिक होगा इस तरीके से हम ये जानते हैं कि समदाब रेखाएं यदि समदाब रेखाएं बच्चों यदि नज़दीक है पास पास में हैं तो दाब प्रवणता बल अधिक लगेगा और यदि दाब प्रवणता बल अधिक लगा तो फिर कोरियोलिस बल भी अधिक लगेगा और कोरियोलिस बल क्या है कोरियोलिस बल पवनों के विच्छेपन को बताता है अब पवनों का विच्छेपन किस तरीके से होता है ये हमने भी देखा था कि किस तरीके से पवने उत्तरी गोलार्ध में सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाती है और जितना ज़्यादा कोरियोलिस बल लगेगा बच्चों जितना ज़्यादा उसमें विच्छेपन होगा उतने ही ज्यादा ये पवने टर्न करेगी उतनी ही ज्यादा मुड़ जाएगी अपने रस्ते से यदि सीधी जा रही है पवने तो सीधी जाती पवने अपने रस्ते से मुड़ जाती है और जितने ज्यादा उसमें दाब प्रवणता बल लगेगा उतनी तेज गति से जाएगी और जितनी तेज गति से जाएगी उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा कोरोलिस बल लगेगा और ज्यादा कोरिस बल लगे से ज्यादा विच्छेपन होगा और बच्चों यह भी देखा जाएगा हम आगे देखेंगे कि जितनी अधिक दाब प्रवणता होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा जैसे कि हमने अभी देखा था और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विच्छेपित होगी उतनी ही अधिक पवनों की दिशा विच्छेपित होगी इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवने इसी के इर्द गिर्द बहती है ठीक है जो निम्न दाब के जो क्षेत्र है वो पवने इसी के इर्द गिर्द बहती रहती है क्यों क्यों बहती रहती है क्योंकि दो जो बल है बच्चों यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है ठीक है इसको अच्छे से समझ लेना है यहाँ पर कोई लो प्रेशर बन रहा है और इसके चारों ओर विभिन्न समदाब रेखाएं हैं अब माना कि यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है 900 सौ नौ सौ यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है और इससे ऊपर नौ सौ ठीक है या 1000 हजार और एक इस प्रकार का यहां पर समदाब रेखाएं हमें प्राप्त हो रही है तो तो देखने वाली बात क्या है बच्चों कि पवने किस ओर चलेगी पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है उच्च दाब यहां पर है तो निम्न दाब की ओर गति करती है ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि इस प्रकार का कोई रेखाएं हैं माना कि इस प्रकार की कोई समदाब रेखाएं हैं तो पवने किधर ओर जाएगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी लेकिन बच्चों यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि यहाँ पर सीधी पवने ना जा करके पवने सीधी ना जा करके क्या करती है घूम जाती है और अपने विच्छेपन को प्राप्त करती है अर्थात सीधी ना जाकर के घूम जाएगी और यह घूमना क्या कहलाता है कोरोलिस बल के कारण होता है और घूमने के कारण बच्चों घूमने के कारण जो निम्न दाब के जो क्षेत्र है उसमें पवने यहाँ घूमती ही रहती है घूमती रहती है चक्रवात जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है चक्रवात में क्या होता है हम आगे भी देखेंगे बच्चों कि चक्रवात में पवने अपने अंदर भवर बनाती हुई घूमती रहती है इसी प्रकार से इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि निम्न दाब का जो क्षेत्र है निम्न दाब के क्षेत्रों में पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है लेकिन सीधी ना जा कर के घूमती हुई जाती है घूमती हुई जाती है और घूमती हुई जाने के बाद इसके इर्द गिर्द घूमती ही रहती है पवने और जिसे हम सामान्य भाषा में या फिर ग्रामीण परिवेश में बबूला कहते हैं या फिर छोटा मिनी चक्रवात कहते हैं जो छोटे छोटे लेवल पर आता है छोटे छोटे कहीं पर हम गाँव में या फिर विभिन्न खुली स्थानों पर देखें तो वो इसी तरीके से घूमते रहते हैं और घूम घूम करके अपने आसपास सराउंडिंग क्षेत्रों में घूमते ही रहते हैं ये छोटे लेवल पर है इससे बड़े लेवल पर भी बड़े चक्रवात आते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमने देखा कि निम्न दाब के क्षेत्रों में पवन इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई रहती है विश्वत व्रत पर बच्चों विश्वत व्रत पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवने समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है विश्वत व्रत पर चूंकि कोरियोलिस बल कैसा रहता है शून्य रहता है इस वजह से पवने समदाब रेखाओं के ठीक है बच्चों यहां पर हमने देखा यदि समदाब रेखाएं हैं इन समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है समझ लेना है दोबारा से विश्व व्रत पर बच्चों कोरोलिस बल कार्य नहीं करता और कोरियोलिस बल यदि कार्य नहीं करेगा तो वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सीधी बहेगी घूम करके नहीं बहेगी बिल्कुल सीधी बहेगी ठीक है पवने सीधी चलेगी यदि बल कार्य नहीं करेगा तो पवने सीधी चलेगी और कोरुलिस कार्य करेगा तो सीधी ना करके पवने अपनी दिशा से विचलित हो जाती है हो जाती है अब चूंकि विश्व व्रत पर कार्य करता ही नहीं है बच्चों इस वजह से पवने विच्छेपित ना हो करके उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सीधी चलेगी समझ में हमें आ गया ये बात अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है यही कारण है कि विश्वत व्रत के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं यह हम आगे भी चक्रवात का जब हमारा टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे बच्चों कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो विश्वत व्रत के समीप बिल्कुल समीप पांच डिग्री उत्तर से पांच डिग्री दक्षिण के मध्य जो बिल्कुल विश्वत व्रत के बिल्कुल बीच में है बच्चों वहां पर जैसे कि चित्र में देख सकते हैं हम इस चित्र में देख सकते हैं कि विश्वत व्रत के बिल्कुल भी यहां पर यहां पर किसी भी प्रकार का चक्रवात की उत्पत्ति विशेष रूप से उष्ण जो चक्रवात है उनकी उत्पत्ति नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि यहां पर कोरियोलिस बल प्राप्ति नहीं होता जब कोरियोलिस बल प्राप्ति नहीं होगा तो बच्चों पवने विच्छेपित नहीं होगी और पवने विच्छेपित नहीं होगी तो चक्रवात प्राप्त नहीं होगा सीधी पवने यदि चलेगी तो चक्रवात कैसे मिलेगा वो सीधी पवने चल जाएगी और पवने यदि घूम जाती है तो पवनों का घूमना ही तो चक्रवात कहलाता है ठीक है बच्चों यहां पर हमें देखने को मिला और यहां पर इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में यदि पवनों की दिशा यह होगी तो यह सीधे ना होकर के अपने सीधे हाथ राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती है उसी प्रकार से यदि इधर की ओर जा रही है तो सीधे ना जाकर के अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ जाएगी यदि यह इस तरीके से जा रही है तो इसका राइट हैंड किधर होगा इसका राइट हैंड इधर होगा तो यह इधर की ओर मुड़ जाएगी यदि इधर जा रही है तो इधर ना जाकर के इधर की ओर मुड़ जाएगी सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ उसके विपरीत यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं बच्चों तो यदि पवन इधर जा रही है तो राइट हैंड की तरफ नहीं लेफ्ट हैंड की तरफ क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध है बच्चों यहां पर तो दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाती है बाइने हाथ की तरफ मुड़ जाती है उसी प्रकार से यदि यहां पर जा रही है तो यहां पर ना जा कर के अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाती है यहां पर जा रही है तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाती है यहां पर जा रही है तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाती है जिधर जा रही है उससे लेफ्ट हैंड अपना लेफ्ट हैंड नहीं यहां से जिधर उसका खुद का लेफ्ट हैंड की तरफ तरफ मुड़ जाएगी यदि मैं बात करूं बच्चों यहां इस तरफ जा रही है ये पवने ठीक है यदि मैं इसे उदाहरण में समझाऊं बच्चों तो उदाहरण में इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा यह है ठीक है दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा यह है और उत्तरी गोलार्ध में भी पवनों की दिशा यह है ठीक है तो किधर किधर मुड़ेगी चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाती है तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा और उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती है तो राइट हैंड इसका इधर होगा तो इधर की ओर मुड़ जाएगी इसके विपरीत यदि मैं बात करूं इधर जा रही है इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है तो इसका दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाएगा और ये उत्तरी गोलार्ध में इसका राइट हैंड किधर होगा इधर होगा बच्चों तो इधर राइट हैंड की तरफ मुड़ जाएगा अर्थात दोनों उत्तरी गोलार्ध में भी इस साइड मुड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी इस साइड मुड़ेगा यदि विपरीत दिशाओं में पवने आ रही है कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो कहने का मतलब यह है बच्चों कि कोरियोलिस जो बल है वो सीधी जाती हुई जो पवने उसे विष्पित कर देती है और किस दिशा में विक्षेपित करती है ये हमने यहाँ पर देखा भूमध्य जो रेखा है या विश्वत व्रत है उसके समीप विश्वत व्रत के समीप कोरुलिस बल शून्य होता है नगण्य होता है इस वजह से वहाँ पर ये जो यहाँ पर विच्छेपित पवने हैं वो वहाँ पर नहीं होगी और इसका जो क्षेत्र है वो ये इसके पाँच डिग्री उत्तर और पाँच डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर कोरुलिस बल शून्य प्राप्त होगा ठीक है बच्चों इसके बाद हम देखेंगे वायुदाब व पवने वायुदाब व पवने किस प्रकार से यहाँ पर है पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है पवनों को जो उत्पन्न करते हैं उनके बलों का ही परिणाम होता है कि पवनों का वेग व दिशा किस तरफ होगी पवनों की वेग और उनकी दिशा किस तरफ होगी और कितना उनका वेग होगा यह हमने यहां पर देखा पृथ्वी की सतह से दो से तीन किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है दो से तीन किलोमीटर की ऊंचाई पर हमने देखा था बच्चों कि एक दो किलोमीटर पर तक तो घर्षण कार्य करता है धरातलीय जो घर्षण है वो एक से दो किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्य करता है लेकिन उससे ऊपर उससे ऊपर वो घर्षण कार्य नहीं करता क्योंकि धरातल से काफी ऊंचाई पर होता है तो यहां पर हमने देखा कि पवने धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है तीसरा बल काम नहीं करेगा हमने तीन बल पढ़े थे बच्चों भी यहां पर दिशा को प्रभावित करने वाले तीन बल पड़े थे कौन कौन से दाब प्रवणता बल घर्षण बल और कोरियोलिस बल लेकिन बच्चों तीन किलोमीटर की ऊंचाई पर धरातल से तीन किलोमीटर की ऊंचाई पर घर्षण बल कार्य नहीं करता और घर्षण बल जब कार्य नहीं करता तो केवल दो ही बल काम करेंगे एक तो दाब प्रवणता बल और एक कोरियोलिस बल अब बच्चों यहां पर देखने वाली बात क्या है वो मुख्य बातें देखना कि जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव नहीं हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोल बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवने समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है ये पवने भूविच्छेपी पवनों के नाम से जानी जाती है लेकिन ये कहाँ की स्थिति है ये धरातल के समीप नहीं धरातल से लगभग तीन किलोमीटर ऊंचाई की स्थिति होती है अब इसमें होता कैसा है बच्चों कि माना कि ये समदाब रेखाएं हैं ठीक है इस 704 की 708 की ये समदाव रेखाएं हैं अब समदाव रेखाएं यदि इस साइड में हैं इस तरफ हैं तो दाब प्रवणता बल किधर लगेगा दाब प्रवणता बल इस तरफ लगेगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर दाब प्रवणता बल कार्य करेगा लेकिन बच्चों दाब प्रवणता बल वहां पर कार्य तो करता है लेकिन वहां पर कोरियोलिस बल के कारण कोरियोलिस बल के कारण वो इतना ज्यादा टर्न कर देती है ऊपरी स्तर पर इतने ज्यादा वो विक्षेपित कर देती है कि पवने इस तरफ ना जा करके पवनों का दिशा इस तरफ हो जाती है ठीक है पवनों की दिशा इस ओर हो जाती है साथ ही वहाँ पर घर्षण बल शून्य है और घर्षण बल शून्य होने के कारण से वहाँ का जो वेग है वो कम नहीं होता और लगातार रूप से तेज गति से बच्चों घर्षण बल क्या कम करता है हम जानते हैं पवनों की गति को कम करता है और पवनों की गति को कम करेगा तो कोरियोलिस बल भी कम कम काम करेगा और कोरियोलिस बल यदि कम काम करेगा तो विक्षेपित जो पवने हैं विपित तो हो जाती है वो भी कम विच्छेपित तो होगी कम मुड़ेगी समझ में आया दोबारा से देख लेते हैं कि यदि धरातल पर यहाँ पर धरातल पर कोई पवने चल रही है पवने चल रही है तो दाब प्रवणता बल के कारण वो ज़्यादा गति करेगी ठीक है दाब प्रवणता बल के कारण ज्यादा गति करेगी लेकिन बच्चों घर्षण बल के कारण उसकी गति में रुकावट आ जाती है कमी आ जाती है जब घर्षण बल में रुकावट आ जाती है तो उसकी गति कम हो जाती है अपेक्षाकृत रूप से और यदि गति कम हो जाती है तो कोरियोलिस बल भी कम काम करता है हम ये जानते हैं कि तेज गति की पवन है उनमें बल ज़्यादा काम करता है और कम गति पर कम काम करता है तो यदि गति कम हो गई अपेक्षाकृत रूप से तो कोरियोलिस बल ने भी कम काम किया और यदि कोरियोलिस बल ने कम काम किया तो जो पवन मुड़ती है विक्षेपित होती है वो भी कम विक्षेपित होगी लेकिन बच्चों धरातल से ऊपर तीन किलोमीटर की ऊंचाई पर धरातल से किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां पर घर्षण बल लगभग नगण्य पाया जाता है लगभग होता है, वहां पर तो ये दोनों ही हैं, कौन कौन एक तो कोरियोलिस बल और एक दाब प्रवणता बल वहां पर रोकने वाला कोई नहीं है ठीक है घर्षण बल जो उनकी गति को कम करता है रोकता है वो वहां पर नहीं मिलता इस कारण से बच्चों इस कारण से उसकी गति तेज होती है पवनों की गति तेज होती है और तेज गति के कारण वहां पर कोरुलिस बल भी ज्यादा लगता है और इतना ज्यादा लगता है कि वो सीधी जाती हुई पवने अपने निब्बे डिग्री कोण पर मुड़ जाती है इतनी ज्यादा मुड़ जाती है और जाना इधर के साइड चाहिए लेकिन इधर ना जाते हुए वो इतनी ज्यादा विक्षिपित हो जाती है कि वो इस ओर मुड़ जाती है ठीक है बच्चों यहां इस ओर मुड़ जाती है इसी प्रकार ये उत्तरी गोलार्ध में है ठीक है और दक्षिणी गोलार्ध में भी इस ओर मुड़ जाती है इस साइड में मुड़ जाती है कहने का मतलब यह है बच्चों की जो भू विच्छेपी जो पवने हैं वो भू विच्छेपी पवने धरातल से लगभग तीन किलोमीटर ऊंचाई पर कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल के प्रभाव के कारण अपने दिशा से 90 डिग्री की ओर मुड़ करके भूविच्छे भी पवनों का निर्माण करती है जो कि समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है ये समदाब रेखाएं हैं इन समदाब रेखाओं के समानांतर बहेगी लेकिन बहनी नहीं चाहिए बहनी किधर और चाहिए थी इस ओर चाहिए थी इस ओर ना बहके बहते हुए ये समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है क्यों बहती है बच्चों क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल नगण्य पाया जाता है इस वजह से तेज गति पवने बहती है और तेज गति में पवने जब बहती है तो बल ज्यादा लगता है और ज्यादा बल लगता है तो होती है है तो ज्यादा ज्यादा होती और इतनी हो जाती बच्चों की बिल्कुल अपने नब्बे डिग्री कोण पर मुड़ती हुई समाव रेखाओं के समानांतर ही बहती है यह हमें समझ में आया ठीक है बच्चों तो इस तरीके की जो पवने हैं भूविच्छेपी पवने कहलाती है यहां पर हम इस तरीके से चित्र के द्वारा इसको देख सकते हैं इसके पश्चात देखते हैं बच्चों कि निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंंचरण कहलाता है देखो बच्चों जो निम्न दाब का जो क्षेत्र है जैसे कि मैंने अभी बताया जो निम्न दाब का जो क्षेत्र है जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं निम्न दाब के क्षेत्र क्षेत्र में ये इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पर ये चक्रवाती अवस्थाओं में जन्म लेगा लेकिन इसके विपरीत यदि उच्च दाब का क्षेत्र है यदि दाब ज्यादा हो रहा है उच्च दाब का क्षेत्र है तो चक्रवात ना होकर के प्रति चक्रवात बाहर में वायु निकलेगी केंद्र से बाहर की ओर वायु निकलेगी यहां पर केंद्र से बाहर की ओर वायु निकल रही है ठीक है इसे क्या कहेंगे प्रति चक्रवात कहेंगे समझ में आया हमें लेकिन इसके विपरीत यदि दाब कैसा है निम्न है निम्न वायु दाब होने के कारण बाहर से बाहर से आने वाली जो पवने हैं वो अंदर आएगी अंदर सीधी नहीं आएगी सीधी क्यों नहीं आएगी सीधी कैसे नहीं आएगी बच्चों क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल काम करता है सीधी इस वजह से नहीं आएगी अब कोरियोलिस बल यदि काम करता है तो घूमती हुई आएगी टर्न करती आएगी और टर्न करती आती हुई अंदर की ओर आती जाएगी और इस प्रकार से चक्रवाती दशाओं को यहां पर जन्म देगी यहां पर चक्रवातों का निर्माण होगा निम्न वायुदाब के क्षेत्रों में और उच्च वायुदाबों के क्षेत्र में प्रति चक्रवातों का जन्म होगा ये दोनों अपने आप में विपरीत होते हैं इनकी दिशा भी विपरीत होती है ठीक है बच्चों इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि चक्रवातीय परिसंचरण और प्रति चक्रवातीय परिसंचरण किस प्रकार से होता है यहां पर बच्चों देखो इनकी दिशा भी अलग अलग होती है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा भी अलग होगी ठीक है कि वो किस तरफ से घूमेंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में बच्चों ये इस तरफ एक किधर की साइड है ये है बच्चों घड़ी की सुई की दिशा की तरफ अर्थात क्लोकवाइज उत्तरी गोलार्ध में बच्चों यहाँ एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं स्वयं के निर्मित उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन है अर्थात चक्रवात है वो एंटी क्लोकवाइज आते हैं जबकि जो एंटी साइक्लोन है अर्थात प्रति चक्रवात है वो क्लोकवाइज आते हैं एक एक सिंपल सा ए एन सी करके एक फॉर्मूला है जिसे हम याद करने के लिए हमें एक छोटा सा बात है उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन होते हैं वो एंटीक्लोकवाइज होते हैं और जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो क्लोकवाइज होते हैं अर्थात दोनों की विपरीत अवस्थाएं यहाँ पर देखी जाती है तो यहां पर हम देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में जो उच्च यहाँ पर हाई प्रेशर है हाई प्रेशर होने के कारण कैसी अवस्थाएं बनेगी बच्चों प्रति चक्रवाती अवस्था बनेगी अर्थात एंटी साइक्लोन पर बनेंगे और एंटी साइक्लोन जो होते हैं वो यहां पर हम देख सकते हैं एंटी साइक्लोन होगा घड़ी की सुई की दिशा के सापेक्ष में होगा तो यहां पर जो एंटी साइक्लोन बनेगा वो घड़ी की सुई की दिशा में बन रहा है और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में इससे उल्टा हो जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में यदि उच्च हाई प्रेशर है उच्च वायुदाब है उच्च वायुदाब होगा तो साइक्लोन बनेगा या एंटीसाइक्लोन बनेगा बच्चों एंटीसाइक्लोन बनेगा अर्थात प्रति चक्रवात बनेगा और प्रति चक्रवात जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है उसकी दिशा एंटी क्लोकवाइज अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में होती है इस तरीके से इसकी जो दिशा होती है बच्चों वो इस ओर होती है इस ओर घूमता है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घड़ी की सुई यदि इधर इस साइड घूम रही है घड़ी की सुई इस तरीके से घूमती है तो ये इस ओर इस तरीके से घूमेगा ये इस तरीके से इनकी दिशा का हम अनुमान लगा सकते हैं पर चक्रवात और प्रति चक्रवाती संचरण को भी हमने अच्छे से जाना बच्चों इसके बाद हम देख सकते हैं इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है दाब पद्धति चक्रवात केंद्र में दाब की दशा निम्न क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि निम्न दाब के में ही चक्रवातीय दशा होती है और उच्च दाब में प्रति चक्रवातीय एंटीसाइक्लोन यहां पर बनते हैं ठीक है उच्च दाब में एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात निम्न दाब में चक्रवाती अवस्था बनेगी अब पवन की जो दिशा का प्रारूप है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत ठीक है और प्रति चक्रवात में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होगा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी इसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है बच्चों उत्तरी गोलार्ध में जो होता है उसके उसके उल्टा हो जाता है यहाँ पर दिशा के विपरीत होता है इसके दिशा के अनुरूप होगा दक्षिणी गोलार्ध में और यहाँ दिशा के अनुरूप होता है इसे घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में यहाँ पर होगा तो इस तरीके से इस सारणी के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं बाकी मैंने एक फॉर्मूला बताया था ए एन सी अर्थात नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन है वो एंटी क्लोकवाइज होंगे और एंटी साइक्लोन होंगे वो क्लोकवाइज होंगे ठीक है तो इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं बाकी इस तरीके से भी हम इसको देख करके अच्छे से समझ लेना है बच्चों इस प्रकार के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो ना केवल हमारे इलेवंथ ट्वेल्थ में आते हैं बल्कि कॉलेज स्तर पर और विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर भी यह प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं और यहां पर यदि हमने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आगे जा करके के हमें कहीं पर भी समस्या नहीं होगी तो हमें यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है कि चक्रवात और प्रति चक्रवात कहाँ पर होते हैं उनकी दिशा किस ओर होती है इसके बाद देखते हैं बच्चों कि पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है ठीक है कई बार जो निम्न और उच्च दाब होते हैं वो पवनों का संचरण है वो ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से भी संबंधित होते हैं उनसे भी उनका प्रभाव देखा जाता है ठीक है वायुमंडल में जो ऊपरी स्तर पर है वहां से भी उनका प्रभाव हमारे यहाँ पर धरातल पर देखने को मिलता है प्राय निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होती है और ऊपर उठती है जैसे कि हमने जानते हैं जो निम्न वायु दाब के जो क्षेत्र हैं यहाँ एल पी लो प्रेशर बनेगा वहाँ दाब कैसा है निम्न है तो हवा ऊपर की ओर उठती है यदि वायु दाब उच्च होता हाई प्रेशर होता तो वायुदा वायु नीचे की ओर बैठती ठीक है इस प्रकार से बता रहे हैं उच्च दाब क्षेत्र में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी ठीक है और यहां पर यदि अवतलन होगा उच्च वायु दाब है तो अवतलन होगा वायु नीचे बैठेगी नीचे बैठ करके धरातल पर विस्तृत हो जाती है लेकिन यदि दाब कैसा है निम्न है निम्न होने के कारण ऊपर उठेगी ऊपर की ओर जाएगी और ऊपर की ओर जाएगी तो आसपास की हवाएं यहां पर आकर के इसको प्रतिस्थापित करती है इस तरीके से एक संचरण चलता है ठीक है एक संचरण चलता है यहां पर इसको देख सकते हैं यहां पर ठीक है यहां पर ऊपर की ओर उठी ऊपर की ओर उठने के कारण ये दो भागों में बटकर करके विपरीत दिशाओं में गई ठीक है और इसकी पूर्ति करने के लिए बच्चों यहां पर इसकी पूर्ति करने के लिए नीचे धरातल पर 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 ये धरातल धरातल है यहां है ऊपरी वायुमंडल का स्तर तो नीचे पर ये पूर्ति करने के लिए पास पास आ जाएगी पास पास आकर के ऊपर उठेगी और फिर वापस दूर चली जाएगी जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि वायुदाब की पेटियां और पवनों की जो बात कर रहे थे हम पिछली क्लास में वहां पर इसी प्रकार की चीज़ें थी कि किस तरीके से अभिसरण हुआ अभिसरण होकर के ऊपर की ओर उठी ऊपर की ओर उठ करके जब छोभ सीमा तक गई छोभ सीमा के पश्चात वो विपरीत दिशाओं में गमन करी और विपरीत दिशा में गमन करके इसी तरीके से यहां पर ही आई और फिर वापस उच्च दाब बना यहां पर दाब क्या है उच्च है और यहां पर दाब कैसा है निम्न है ठीक है इस प्रकार से एक साइकिल चलते रहते हैं एक चक्र चलते रहते हैं जो कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था ठीक है बच्चों अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है जो बादल बनने वे वर्षण के लिए आवश्यक है हमने ये भी देख सकते हैं बच्चों कि जो वायु है वो विभिन्न प्रकार से दूसरे तरीके से भी चलती है ठीक है जैसे कि पर्वतों के साथ में पर्वतीय वर्षा में हम देख सकते हैं इसको पर्वतों के साथ में संवहन धाराओं में संवहनीय वर्षा के रूप में हम जानते हैं इसको कि संवहन धाराओं में और वाताग्र के सहारे जब फ्रंट बनते हैं शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र जब फ्रंट बनते हैं वहाँ पर भी एक दूसरे पर कार्य करती है और बादलों का निर्माण होता है और बादलों के निर्माण से वर्षण होती है ये वर्षण वाले चैप्टर में भी हम वहाँ पर अच्छे से देखेंगे तो इस तरीके से बच्चों हम ये जानते हैं इस तरीके से हमने देखा कि वायु दाब से संबंधित उनसे वेग और उनकी दिशा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में पढ़ा उनको अच्छे से समझा विशेष रूप से कोरोलिस बल और चक्रवात प्रति चक्रवातों को हमने इस पार्ट में देखा ठीक है बच्चों अगली क्लास में बच्चों हम वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण देखेंगे धन्यवाद बच्चों